सिर्फ यही कहूँगा कि जो मैं डे वन से कहता आया हूँ, देयर इज अ लॉट मोर टू कम, जस्ट वेट एंड वॉच। क्योंकि आर के वही करेगा जो एक जेंटलमैन करता है अपनी को एक्टर के साथ, तो वही सारी चीज़ें करेगा। कहीं ना कहीं मधु और आर के हस्बैंड वाइफ और उनमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, और उसे ध्यान में रखते हुए मधु का फ़र्ज़ बनता है कि वक्त आने पर वो आर के की मदद करे, उसे दुख सुख में उसके साथ रहे। अभी तो मैं जब मधु से बात करूँगा तब पता चलेगा वो कम्फर्टेबल है नहीं है।